साफ साफ लिखा है। मैं अपने प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के साथी भी देख ले, ये भारत सरकार का राजपथ है। इस भारत सरकार के राजपथ पे कौन नहीं भरोसा करता है वो अपने हाथ उठा दे। साथियों सब लोग भरोसा करता है, देश का 140 करोड़ भारतवासी भरोसा करता है। हम सभी बीएड भाइयों ने इसी राजपत्र पर भरोसा करके बीएड किया था। अब सवाल हम ये उठाने आए हैं, क्या भारत सरकार के राजपत्र पर भरोसा करना हमारा गुनाह है? इस भारत सरकार के राजपत्र पर भरोसा करके बीएड करना हम अपराधी हैं? अगर हम अपराधी नहीं है तो हमें सजा क्यों? इसी तार्किक सवाल को लेकर हम आज के बीच में आ पाए हैं। साथियों ये महापंचायत के द्वारा हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम गुनाहगार नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हमने गुनाह नहीं किया, हम भारत सरकार के राजपथ पर भरोसा करते हैं और भारत सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वह हमें अभ्यर्थियों को पीआईटी में शामिल करना होगा। साथियों अगर जो साथी घरों में है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो साथी यहाँ आए हैं वो अपनी जिंदा दिली की पेशकश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गुनाहगार नहीं है, हमने गुनाह नहीं किया है, लेकिन जो लोग घरों में है वो अपने को बेगुनाह साबित करने का सबूत आने वाले वक्त में देना होगा। साथियों चाहे वो लखनऊ का कुछ होगा, चाहे वो दिल्ली का कुछ होगा, आप लोग अपनी व्यापक एकता के द्वारा शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के द्वारा हम भारत सरकार को बताएंगे कि हम गुनाहगार नहीं है, हम देशवासियों को बताएंगे हम गुनाहगार नहीं है, हम देश के इंटेलेक्चुअल्स को बताएंगे हम गुनाहगार नहीं है। इस शिक्षक दिवस पर हमने सपना देखा था कि हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक बनने के सपनों की हत्या की गई है, इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। हमने कोशिश किया था कि हम शिक्षक दिवस पर स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक दिवस मनाएंगे, लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण हम सभी शिकार हुए हैं, इसलिए हम भारत सरकार से हम डेमोक्रेटिक और पीसफुल ये सवाल करना चाहते हैं कि बताइए कि भारत सरकार के राजपथ पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो किस देश के राजपथ पर भरोसा करेंगे, ये बात आपको बताना पड़ेगा। हम साथियों हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के राजपथ पर देश के 140 करोड़ भारतवासी भरोसा करते हैं, इसलिए देश के 140 करोड़ भारतवासी गुनाहगार नहीं है। आंदोलन ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे आंदोलन नहीं चलता।